हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल उपमा। अगर आप भी कुछ हल्का सा और हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप यह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। यह जो रेसिपी है बच्चे बड़ों सबको ज़रूर पसंद आएगी और झट से बन जाने वाली जो है हमारी नाश्ता की रेसिपी है। तो चलो हम इसकी रेसिपी की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म हो जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून ली है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। अनियन को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, एक अनियन लिया है हमने, इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे कि यह वेजिटेबल उपमा है और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी आइटम है और बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, हमने इसमें डाल देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे स्पिनच यानी कि पालक, यह जो है ऑप्शनल है, मैंने इसमें डाली है 2 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड कैरेट, गाजर डाली है हमने एक, और अगर आपके बच्चों को जो जो सब्जियाँ पसंद हैं आप वो इसमें डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे लगातार हिलाते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। हमने यहाँ पे जो है फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम का यूज़ करना है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे रवा यानी कि सूजी, ये 3/4 कप ली है यानी 1 कप से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे जो है इसमें जो है सूजी मिक्स कर देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है रोस्टेड रवा नहीं ली है, हमने इसमें रवा जो है सिंपल रवा इसमें डाल दी है और इसमें जो है अभी ही इसमें रोस्ट कर लेंगे। हमने इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार हिलाते हुए मिक्स कर लेना है और इसे हमें पका लेना है। हमारे जो यहाँ पे रवा है हमने इसे अच्छे से भून लेना है ताकि हमारे जो उपमा है टेस्टी बने। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक 1/2 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे वाटर यानी कि पानी, हमने इसमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पे जो है 1 कप पानी लिया है, हमने इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम इस स्टेज पे जो है इसे हमें लगातार हिलाते रहना है ताकि हमारा जो उपमा है अच्छे से मिक्स हो जाए, इसकी जो है गांठ ना बने। इसे लगातार हिलाते हुए इसे मिक्स कर लें और इसे जो है बनने में कम से कम 2 मिनट और लगेंगे और हमारा जो उपमा है वेजिटेबल उपमा तैयार हो जाएगा। जैसे ही यह पैन छोड़ने लगेगा अभी हमें इसे लगातार हिलाते रहना है और फ्लेम को जो है हमने मीडियम कर लेना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है। हमारा यहाँ पे जो उपमा है बनकर जो है तैयार होने वाला है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो है सुंदर सा कलर आया है और हमारा वेजिटेबल उपमा जो है बनकर तैयार है। अभी यह जो है धीरे धीरे पैन को छोड़ने लगा है, हमें इसे लगातार हिलाते रहना है और हमारा जो हेल्दी नाश्ता है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कितने झट से बन गया है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे झट से बन जाने वाला जो वेजिटेबल उपमा है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।